what do you want to say after the success of Kashmir Files? One more hit, one more great story, the kind of story line. ये ट्रेलर से ही हमें पता चल गया था कि एक अच्छी स्टोरी लाइन है और जिस तरह का रिस्पांस मिला है बॉक्स ऑफिस पे स्टोरी लाइन को लेके आप क्या कहना चाहोगे सर इसमें? मुझे लगता है कि स्टोरी इज़ ऑलवेज द किंग और द क्वीन, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट. हमेशा तथ्य जो है, हमेशा जो नरेटिव है वो इम्पॉर्टेंट होता है. और ये मेरी खुशकिस्मती है कि कश्मीर फाइल्स जो कि ऐसी कोई एंटरटेनिंग फिल्म नहीं थी बल्कि सच पे आधारित थी और वो उसने इतना बड़ा बिजनेस किया. और अब कार्तिकेय 2 भी इतना अच्छा बिजनेस कर रही है और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ पे चल रहा है. ऐसा कोई नहीं था कि इसका कोई बजट 50 करोड़ था, इसके पास मार्केटिंग का होर्डिंग्स लगे हुए थे, कुछ नहीं. जैसा कि अभी निखिल ने बताया कि 50 थिएटर में रिलीज़ हुई थी, आज मोर 2000 ज़्यादा थिएटर पे चल रही है और हमेशा चलता है. जो जिस जो कहानी से दिल से बनाई जाती है वो दिल तक जुड़ती है और हमारे डायरेक्टर ने बहुत अच्छी इसको बनाया है, बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्देशन किया. हमारे प्रोड्यूसर अभिषेक जो दोनों ही फिल्मों के प्रोड्यूसर हैं, कश्मीर फाइल्स के और कार्तिकेय 2 के भी. और इस सक्सेस से जिस तरह से निखिल ने दुनिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया है, सोशल मीडिया के लोगों का शुक्रिया अदा किया, इसका मतलब फिल्में जिनकी कहानी अच्छी होती है और जो अच्छे हिसाब से बनाई जाती है वो चल सकती हैं. कश्मीर फाइल्स की बात की जाए तो कश्मीर फाइल्स बहुत बड़ी हिट थी और ये भी बहुत बड़ी हिट हो रही. आप कितना लकी मानते हैं कि आप जो है बॉलीवुड के एक ऐसे अभिनेता हैं जो मतलब कि दो बड़ी हिट दे चुके हैं जहाँ पे बॉक्स ऑफिस जो है फिल्में बड़ी बड़ी फिल्में चल रही हैं? मैं बड़ा कोशिश कर रहा हूँ कि ना मुस्कुराऊँ, मेरा दिल कर रहा है मुस्कुराने का. आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं और बोलते जाओ. सर आप भी एक ऐसे एक्टर हैं सर की जो मतलब देखिए, मैंने अपने 38 साल के करियर में और 530 फिल्मों में काम कर चुका हूं मैं. ऐसा नहीं है कि मैंने उतार चढ़ाव नहीं देखे, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं. मगर और मुझे हमेशा लगता था कि जिन भी फिल्मों का मैं अभिन्न अंग रहा हूं वो बहुत चली हैं, चाहे वो हम आपके हैं, कौन है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, घोंसला का घोंसला, वेडनेसडे, स्पेशल 26, कुछ कुछ होता है. मगर आज के दौर में जब मेरा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है इस फिल्म में और पर कश्मीर फाइल में तो मेन रोल ही है, पैसों से नापा जाता है सबको. कंटेंट कहते हैं, कंटेंट के हिसाब से तो ठीक है चली थी, मगर अब पैसों के हिसाब से देखा जाए तो 350 करोड़ कश्मीर फाइल्स और ये तो भी गिनती शुरू हुई है इसकी. तो मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को, पर मेरे लिए उतार चढ़ाव, फ्लॉप, हिट कोई इतना ज़्यादा माने नहीं रखती. मगर आज 2022 में मैं बड़ी फख्र के साथ कहना चाहता हूँ, बिना किसी को छोटा महसूस कराए, कि 2022 का तो सबसे बड़ा एक्टर आज आपके सामने बैठा है. दो बड़ी फिल्मों को मात दिया है सर इस फिल्म ने, हालांकि लो बजट फिल्म है. ये कोई अमिधि के पहलवानों का अखाड़ा नहीं है कि मात दिया किसी को नहीं दिया. मुझे दुख है अगर वो फिल्में नहीं चली आई, किसी की भी फिल्म नहीं चलती.